राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के अवसर पर आस्था के तट पर माघ मेला स्थित रिजर्व पुलिस लाइन के प्रांगण गंगोत्री सभागार में पुलिस मित्र परिवार के द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस मित्र परिवार के अभिभावक श्री कविंद्र प्रताप सिंह ने किया। उन्होंने बताया कि पुलिस मित्र परिवार जनपद में ही नहीं अपितु संपूर्ण प्रदेश में निर्बल असहाय विवश एवं जरूरतमंदों को निशुल्क रक्त उपलब्ध कराने का संकल्प लेता है और इस अभियान में समाज के प्रत्येक वर्ग का सुझाव व सहयोग भी लिया जाएगा। पुलिस मित्र परिवार के संचालक श्री आशीष मिश्रा, जो स्वयं पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में कार्यरत है, आशीष मिश्रा जी ने समाज के उन वंचित वर्ग तक रक्त उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है जिनको रक्त की अति आवश्यकता है। शिविर में अपराह्न तक 51 यूनिट रक्त ब्यूरो के द्वारा दान किया गया। इस महाअभियान में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी संपूर्ण निष्ठा के साथ रक्तदान कर आधी आबादी को गौरवान्वित करने का दायित्व निभाया। सर, आज रक्तदान का महाशिविर पुलिस द्वारा लगाया गया है, उसके बारे में आप हमारे मित्रों कुछ बताएं। सबसे बड़ी बात कि इस गणतंत्र दिवस के पावन पर के लिए आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं। सर, पुलिस मित्र में रक्तदान करना और ब्लड बैंक में जाकर रक्तदान करने में क्या अंतर होगा? देखिए, अंतर तो नहीं, क्योंकि ये ब्लड बैंक नहीं है, ये हमारे पुलिस के साथियों का और हमारे समाज के साथियों का एक समूह है। सोशल मीडिया का समय है और आपसे बताऊं साथियों कि सोशल मीडिया का वो वर्तमान युग है जिसको हम जितना बेहतर हो सके जी सकते हैं। ये हमारे प्राचीन समय में अगर हमारे पिताजी के टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था, आज से 10 साल पहले एक्टिव नहीं था। अगर आज हमको सोशल मीडिया, आज में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की आवश्यकता नहीं है। सोशल मीडिया आप अपनी बात ट्विटर पे, फेसबुक पे, आप जिसको चाहे उसको आप टैग करके बता सकते हैं। तो आज हमें सोशल मीडिया का सदुपयोग, सोशल मीडिया का दुरुपयोग भी होता है। दुरुपयोग का मतलब आप देखते हैं कितनी अश्लील चीजें वायरल होती हैं, कितने गलत काम होते हैं सोशल मीडिया पे, उसकी आईटी एक्ट की धाराओं में जेल जाने का भी प्रावधान है। तो आप सोशल मीडिया का सदुपयोग करना। तो हमारी मुहिम ये पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है और लोग तो कहेंगे, ये मन में आप धागा बना लीजिए कि लोग तो कहेंगे। हमने जब स्ट्रगल किया था, जब हमने स्टार्ट किया था, तो हमारे मन में भी ये था कि अरे यार, ये काम हम करने जा रहे हैं तो हमारे लोग क्या सोचेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, हमारे मित्र यार क्या सोचेंगे। सबने सोचा भी और इवन मेरे साथियों ने मेरा साथ छोड़ दिया। सिर्फ इसलिए साथ छोड़ दिया, ये दिमाग से डिस्टर्ब है और कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं हमसे रक्तदान करवा लेगा, तो इस वजह से उन्होंने साथ छोड़ दिया। तो इसका इम्पोर्टेंट हम तभी समझते, शायद अगर वो उनके माँ बाप की बात होती, उनकी जिंदगी बचती, तो शायद ये चीज़ वो ना करते। तो मेरा सभी से निवेदन है कि आप रक्तदान करिए और सारी मिथ्याओं को दूर भगाइए। लोग कहेंगे, कहना उनका काम है। आप सर, आपका मन कहता है ना कि आप सही हैं, या आपका मन जानता है तो फिर ईश्वर जानता है और कोई नहीं जान सकता। तो सभी से प्रार्थना है, सभी लोग रक्तदान करें। और इस मुहिम का सिर्फ मेरा सभी के लिए एक संदेश है कि जितनी हमारी युवा पीढ़ी है, हम 18 से 60 वर्ष तक रक्तदान करते हैं, लेकिन इसके बीच में जो हमारी युवा पीढ़ी है, यहाँ पे सभी लोग युवा पीढ़ी के ही लोग दिख रहे हैं, तो जो युवा कर सकता है ना, हर इंसान चंद्रशेखर और भगत सिंह मरे नहीं है। हर इंसान के अंदर भगत सिंह है, हर इंसान के अंदर चंद्रशेखर है, बस उन्हें जताने की आवश्यकता है कि हाँ, हम भगत सिंह चंद्रशेखर जैसा काम कर सकते हैं। तो देश के लिए करने का अच्छा अवसर है, इसे हमें छोड़ना नहीं। मेरा नाम संतोष तिवारी है, पुलिस मित्र परिवार का सदस्य भी हूँ। हमारे सम्मानित साथी आशीष मिश्रा जी, जो आईजी ऑफिस में पोस्टेड हैं, उन्होंने एक मुहिम निकाली थी, उनके माध्यम से हमारे मित्र हैं कुंवर जी तिवारी, जिनके माध्यम से हमारा उनका संपर्क हुआ। पुलिस मित्र परिवार में हम शामिल हुए और लगभग 2016 से रक्तदान का कार्य हम लोग कर रहे हैं और आने वाले समय में हमारी तैयारी है, हम पूरे उत्तर प्रदेश तक इस पुलिस मित्र परिवार की मुहिम को बढ़ाएंगे। हमारे पूरे परिवार के किसी भी सदस्य के अगर कानों तक खबर पहुंच जाएगी कि रक्त बिना किसी का जीवन जा रहा है, हम उसको बचाने का कोशिश करेंगे। हम धन्यवाद देना चाहते हैं आशीष मिश्रा जी को और धन्यवाद देना चाहते हैं अपने सम्मानित साथी कुंवर जी तिवारी को, जो पुलिस मित्र परिवार जैसा परिवार हमको मिला और आज तो आईजी सर का आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमको मिल रहा है। जब ऐसे ऐसे लोगों का साथ और विश्वास हमको मिल रहा है, तो हम वादा करते हैं, जब तक मेरे शरीर में सांस है, रक्तदान करता रहूंगा और नए मित्रों को जोड़ता रहूंगा। मात्र एक वर्ष के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस मित्र परिवार का
नाम और रक्तदान करने का संकल्प जो हम तीनों मित्रों ने लिया है, इसे हम पूरा करेंगे। धन्यवाद।